हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ श्रीदी गाइस, और मैं आज इंडियन बाइक ड्राइविंग ट्रेनिंग के बहुत ही सीक्रेट्स, जो इसमें चीट कोड्स है ना, जो बहुत कम लोगों को पता है, वो सारे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। वैसे तो बहुत सारे ढेरों सारे चीट कोड्स हैं जो अभी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडियन बाइक ड्राइविंग ट्रेनिंग में आप क्या क्या और कर सकते हो। बट इतना तो नहीं हो पाएगा एक वीडियो में कवर, बट स्टिल मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें कवर करती हूँ इस वीडियो में। आप लोग को बताऊँगी कि आप कैसे वैसे चीज़ें कर सकते हो। और ऑल्सो गाइज, अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं ऐसी यूनिक अपडेट्स लेकर आती रहती हूँ और यूनिक चीज़ें आपको इस गेम के बारे में बताती रहती हूँ। तो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लोकेशन चूज़ करूँगी जहाँ पे आपको मैं वो जो सीक्रेट चीट कोड्स हैं वो सब अप्लाई करके दिखाऊँगी कि कैसा है एंड क्या है। तो यहाँ पे ये प्लेस मुझे सही लग रहा है, बिकॉज ये खाली सी जगह है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसको अवॉइड कर लो, ठीक है? तो गाइस, यहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया है, कोई बात नहीं है। वैसे हमेशा हर गेम में, आप में जितने भी गेम्स से हो गए ना, एक्सीडेंट तो मेरा होना ही होना है। पता नहीं क्योंकि मैं कैसे ड्राइव करती हूँ, आई डोंट नो, वट एवर गाइस, ठीक है? तो सबसे पहला जो एक मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ B1, इससे पता है गाइस आप ना बिल्डिंग्स ले सकते हो। लाइक जो इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री डी गेम में आपने देखा होगा बिल्डिंग्स रहते हैं ना, तो आपने यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते हो। देखो ये सारे चीट कोड्स है बिल्डिंग्स के B1, आपको इसको RGS टूल में जाके अप्लाई करना है, ठीक है? तो यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स आप यहाँ पे अलग अलग कर सकते हो, तो वो आप लोग ट्राई कर लेना। खैर, ये बहुत ही यूनिक चीज़ था ना, जैसे कि बहुत कम लोग को ही पता रहता है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आप पे अप्लाई करने वाली हूँ अब T1 से ना आपको बहुत सारी ट्रीज़ मिलेंगे, लाइक अलग अलग ट्रीज़ आप बहुत सारा कलेक्ट मतलब लगा सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आप अपनी जैसे कि आप अगर YouTube के लिए कंटेंट वीडियो शूट करते हो, तो उसके लिए आप स्टोरी के लिए या कुछ कंटेंट के लिए आप अलग सा एक क्या बोलते हैं सीन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो गाइस, यहाँ पे ट्रीज़ के बहुत सारे ये है, देखो अलग अलग ट्रीज़ आ रहे हैं, कितना खूबसूरत है ना ये वाला। तो गाइस, ये देखा आपने, ट्री का था अलग से, T1 लिखोगे, T1 से लेके आई थिंक 10 तक आता है, आई डोंट नो, 10 या 7, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। वैसे मैं इतने सारे कवर एक साथ नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को बस दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे गाइस T7 देखते ना, T7 से कुछ नहीं आ रहा, मतलब ये 6 तक ही शायद वर्क करता है गाइस, ओके। तो गाइस, यहाँ पे P1 से ना आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी, जैसे कि देखो ये लाइट को क्या लैम्प पोस्ट बोलते हैं, हाँ लैम्प पोस्ट जो है ये आ गया, और P2 से देखो ये जो आ गया, इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम भी नहीं पता। तो गाइस, इससे क्या होगा कि आप ना अलग अलग चीज़ क्रिएट कर सकते हो, लाइक जैसे कि आपने कार कलेक्शन दिखा रहे हो, तो वहाँ पे आप एक एक बम्पर लगा सकते हो, तो उससे ना थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो क्या कि देखो ये सब भी है, अलग अलग लाइट्स आपको देखने को मिलेगा। P5 से डस्टबिन आ गया यहाँ पे, और P6 लिखने से यहाँ पे ये वाला आ गया है, और यहाँ पे मैंने P7 लिखा है, तो ये फिर से डस्टबिन आ गया है, जो आपको एयरपोर्ट में मिलता है ना, यही वाला डस्टबिन रहता है। तो गाइस, यहाँ पे हो गया, P8 से देखते हैं क्या आता है, ठीक है? यहाँ पे ये आ गया, ये भी सही डस्टबिन है, और P9 से आ रहा है ये, ओके। तो गाइस, देख सकते हो P10 से आया ये। तो कितने यूनिक चीज़ें हैं, जो मतलब ऐसा नहीं कह रही कि किसी को भी नहीं पता है, लेकिन बहुत लोग कम लोग जानते हैं, और बहुत कम लोग YouTube पे मैंने देखा इस बारे में बताते हैं। तो गाइस, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ यूनिक चीज़ें। तो गाइस, यहाँ पे देखो ये जो घर के साइड आप डेकोरेशन कर सकते हो, तो अच्छा लगेगा। तो ये सब सारी चीज़ें देख रहे हो, एकदम यूनिक चीज़ें जो आप यहाँ पे इंडियन बाइक ड्राइविंग ट्रेनिंग में ये सब चीज़ अप्लाई करके अलग अलग चीज़ कर सकते हो। गाइस, ऐसे बहुत सारे और भी फैक्ट्स हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो भी मैं बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप लोग मेरी वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एक लाइक कमेंट, और अगर चैनल पे सही हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से चैनल को। तो गाइस, यहाँ पे देख ही सकते हो कितने सारे ये इसको क्या बोलते हैं यार, फ्लोर टाइल्स जो भी बोलते हैं, अलग अलग टाइल्स आ चुके हैं गाइस, यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने। और यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग्स, अब पता है इस बिल्डिंग्स को आप लोग सोचोगे यहाँ पे तो खड़ा हो गया, इस बिल्डिंग को आप अपने हिसाब से ना मूव कर सकते हो कि जहाँ पे आपको सेट करना है। तो आप ना मोड ऑन लिखोगे ना, MODON एक साथ लिखना है आपको, तो ना आप इसको देखो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो इसको अलग अलग जगह पर। जैसे मैं आपको ना यहाँ पर बिल्डिंग को एडजस्ट करके दिखाती हूँ, तो गाइस ये देखो ये बिल्डिंग्स, ये देखो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से अलग सा मतलब सीन बना सकते हो, ठीक है? तो यहाँ बेचारा ये गाड़ी वाला फंस गया है बीच में, मैंने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, इसीलिए बेचारा मछली का चारा बन गया है। वेल, इसको छोड़ो,
तो आपने देख लिया ये कैसे होता है। तो गाइस आई होप ये पसंद आया होगा, और भी आपको चीज़ें दिखाऊंगे इसमें। एक लास्ट में बहुत ही मस्त चीज़ दिखाने वाली हूँ, उसके लिए बने रहो गाइस। तो चलो चलते हैं, आपको ये वाला चीज़ दिखा दिया और कुछ बाइक्स कलेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये मूड ऑफ ऑन जो करोगे आप, मूड ऑन करोगे उसको ऑफ जरूर से करना, वरना फिर वो मूव होते रहेगा, इसलिए मूड ऑफ जरूर कर देना, ठीक है। मूड ऑफ रखोगे तो वो हो जाएगा ऑफ, मतलब वो मूव करना बंद कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कुछ बाइक कलेक्शंस। तो 400 अप्लाई किया मैंने, और यहाँ पे आ गया है ZX10R बाइक, और ये बाइक काफ़ी मस्त है ना। और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया 1, तो 1 से आया क्या ये है, ओके ये बाइक भी अच्छा है। और 400, अरे फिर से मैंने वही चीट कोड अप्लाई कर दिया, ये भी 10X है, ठीक है। ओके व्हाट एवर गाइस, दिख लो ये बाइक्स कलेक्शंस, ऐसे करके तो आप बहुत सारे बाइक्स निकाल सकते हो। अलग अलग चीट कोड्स होते हैं बाइक्स के, और कार के भी अलग अलग चीट कोड्स होते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। वही यहाँ पर मैं एक कार मंगाती हूँ, और उसके बाद मैं लोकेशन पे जाऊंगी, फिर वहाँ पे जाकर मैं आपको एक और यूनिक चीज़ दिखाने वाली हूँ गाइस। ये देखो ये कार आ चुका है ऑडी, तो हम अपने ऑडी में बैठ चुके हैं, और मैं जा रही हूँ लोकेशन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक और अमेजिंग यूनिक चीज। सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ लोकेशन पे, ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ, मैं अपने घर की तरफ वापस जा रही हूँ। और मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत अमेजिंग कंटेंट डाले हुए हैं, जैसे कि हो गया आप घर का कलर कैसे चेंज कर सकते हो, और आप बहुत अच्छे अलग अलग मैंने यूनिक क्या बोलते हैं यार चीट कोड्स बताया है, तो आप मेरे सारे वीडियो जरूर से देख लेना जो मैंने पास्ट में पहले अपलोड किया है, तो वो देखना। गाइस देखो ये वाला जो मैं चीट कोड है ना, ये मेरा आपको जो इंटरनेट ऑप्शन आता है ना गेम में, वहाँ पे अप्लाई होगा, और ये लिंक से होता है। तो ये लिंक कैसे अप्लाई करती है, इसको कैसा यूज़ है ना, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप मेरे चैनल पे वीडियो जाके जरूर से देख लेना, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि इसके लिए कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है, ये लिंक्स कैसे वर्क करते हैं। तो गाइस ये जो मैं चीज़ निकालने वाली हूँ ना, इस लिंक से ही आते हैं। तो गाइस ये देखो ये क्रिएचर, ये कहाँ से, देखो इसका मैंने मंगाया, कितना बड़ा सा है ना, लेकिन देखो नहीं भाग रहा है यार, इसका मुझे शक्ल देखना था, तो इसको चलो मार देती ताकि हम लोग इसका शक्ल देख पाए। मारने में बहुत बुरा लग रहा है, बेचारा मासूम सा इधर उधर जा रहा है, पर कितना बड़ा सा है ना, ओ शिट ये तो उछल गया यार, कितना ऊपर उछल गया, ओ शिट पता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसको मार के, मैं मारना नहीं चाहती थी, बट मुझे इसका शक्ल देखना है कि कैसा है, क्योंकि मुझे आप लोग को दिखाना है कि कैसा दिखता है। भाई कोई बात नहीं है गाइस, तो ये तो पता नहीं उछल के कहाँ गया, और बाइक किधर गया, अच्छा इधर नहीं गिरा, ये बाहर गिरा है कहीं पे, तो चलते हैं बाहर इसको। रुको मैं बाइक मंगा लेती हूँ, रॉकी भाई की बाइक चोरी कर ली है मैंने फिर से, तो रॉकी भाई की कार ही से हम लोग जाने वाले हैं। तो भाई ये जो रॉकी भाई की जो ये बाइक है ना, ये वाला बाइक आप कैसे मंगा सकते हो, इसके लिए भी अलग लिंक लगता है, तो वो मेरा पिछला वीडियो में देख मैंने बताया है, मैं पीछे वाला वीडियो जाके देख लूँ। गाइस यहीं पे तो गिरा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ओहो ये तो गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं है, फिर से मंगवा लेते हैं उसको, ये दानव जी को वापस से मंगाते हैं। तो ये क्रिएचर मैंने फिर से ले लिया है, और देखो ये कितना बड़ा है, इसको हम लोग मार देते हैं, मुझे बहुत अफसोस फील हो रहा है, मोटू सा क्रिएचर मर गया बेचारा। तो गाइस ये देखो इसका लुक कितना डेंजरस दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा है, ओ माय गॉड, देखो इसके सामने फाइटिंग कर रही हूँ मैं, कितनी बेरहम हो गई हूँ, इससे बेचारा ऐसे ही मर गया है। गाइस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना।